आइए फिर से आपका एक बार स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपको एक पेशेंट स्टडी के बारे में बताने वाला हूँ। वो है बायसेक्सुअल, और मेरा मतलब बायसेक्सुअल का ऐसा है कि वो व्यक्ति दिखता है आदमी है, आदमी पुरुष है, शादी की है, बच्चे है, पर उसको ऐसा कभी कभी लगता है कि मैं महिला होता, लेडी होता तो अच्छा रहता था। मुझे वो फीलिंग आती है और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई आदमी के साथ में सेक्स करना चाहिए। तो ये जो व्यक्ति मेरे पास में आया, उसकी उम्र करीब करीब 65 ईयर्स, बड़े कंपनी में काम करता था, अभी रिटायर्ड हो गया, और अभी वो व्यक्ति के साथ में फिर से फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्शन उसका जुड़ गया, जो व्यक्ति उसका होमोसेक्सुअल पार्टनर था बचपन में। 65 के उम्र में आने के बावजूद भी उसको ऐसा लगता था कि नहीं, मैंने वो व्यक्ति से जो मेरा पार्टनर था, होमोसेक्सुअल पार्टनर, समलिंगी पार्टनर बचपन में, उसके साथ साथ मैंने फिर से अभी सेक्स करना चाहिए। अभी वो नकार दे रहा है, वो नहीं बोल रहा है। ये अचानक उसको मिला इतने साल के बाद में। बचपन में वो विदा हो गए, बाद में अपने अपने काम धंधे चले गए, उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, मगर अभी फेसबुक का ज़माना है, फिर से आ गए कॉन्टैक्ट में, और उनको मालूम पड़ा कि अरे हम तो एक ही गाँव में फिर से आ गए, एक ही गांव में हो। तभी ये व्यक्ति मेरे पास में आया बताने के लिए कि अभी तक बचपन में वो व्यक्ति के साथ में करता था तो वो तो अच्छे दिन चले गए, मैं एंजॉय भी करता था। फिर बाद में मैंने, मेरे हाथ के नीचे काम करने वाला एक व्यक्ति था, उसको तैयार किया, उसको कुछ पैसा देता था, उसको कुछ गोलियाँ खिलाता था, उसको उत्तेजना आती थी और सेक्स करता था। और ये जो मेरे पास में पेशेंट आया था वो पैसिव पार्टनर था, वो अंदर लेता था और वो एंजॉय करता था। अच्छा, इसके साथ साथ उसको, उसने शादी भी किया, बच्चे भी, एक लड़का लड़की, उनकी भी शादी हो गई, और अभी कुछ काम नहीं है, पैसे बहुत कमा लिए है तो भी कुछ काम नहीं, टाइम पास करना है, टीवी देखना, कोई क्लब में जाना, मगर वो बोलता है कि मैं एंजॉय करता हूँ, होमोसेक्सुअलिटी एंजॉय करता हूँ, अभी भी मुझे ऐसा लगता है। तो कोई, मैं ढूंढते रहता हूँ और कोई व्यक्ति मिल गया है कि जिसका इंक्लिनेशन है थोड़ा सा, तो उसको मैं टच करूँगा, उसको पटाऊँगा और उसको बोलूँगा तू मेरे साथ में सेक्स कर। और फिर ऐसे कुछ ना कुछ लोग मिल जाते हैं। फिर मैंने उसको पूछा, तो आप मेरे पास में आए क्यों, काहे के लिए आए, जब आप एंजॉय करते हो, आपको कोई इतराज़ भी नहीं है, घर में किसको मालूम नहीं है कि ऐसा है करके, उनको पता भी नहीं चला अभी तक उसके वाइफ को, और अभी वो हाथ के नीचे का नौकर था वो भी छोड़ के चले गया, उसके हाथ के नीचे काम करने वाला वो भी छोड़ के चले गया, अभी उसको एक्टिव कोई ऐसा एक पक्का परमानेंट पार्टनर नहीं है कि जिसके साथ में वो हरदम कर सके, अभी वो तलाश में है कि कोई मिल जाएगा क्या। और फिर वो मेरे पास में इसलिए आए कि भाई ये मैं करूँगा तो क्या मुझे कोई बीमारी होगी, उसको लगता है कि अपने को एड्स वगैरह होगा क्या, तो मैंने भाई आप क्या इस्तेमाल करते, नहीं बोले मैं कंडोम यूज़ करता हूँ और कंडोम यूज़ करके उसको करने लगाता हूँ सामने वाले को, तो मुझे वो मालूम है कि क्या प्रिकॉशन लेनी है, मुझे ये चाहिए जानकारी, बोले कि कभी कभी मैं सामने वाले का वीर्य मेरे मुँह में लेता हूँ और वो निगल लेता हूँ, तो वो वीर्य अंदर जाने से कुछ मेरे में खराबी आएंगी क्या, तो उसके लिए मैं क्या करूँ। तो मतलब ऐसा उसमें भी कुछ होता नहीं है ऐसा कोई खास, मगर पता नहीं अभी वो इन्फेक्टेड है नहीं है उसका वीर्य, पता नहीं अपने को, तो आपने मतलब तो ये तो करना ही चाहिए कि थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर लेने ही चाहिए, मगर आप ऐसा कितना भी ऐसा इजीली करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है यदि वो इन्फेक्टेड है सीमेंट, तो विच इज़ वेरी अनलाइकली। तो फिर बोले ठीक है, फिर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, लाइफ अच्छा चल रहा है मेरा, और मुझे मतलब फिर अभी आप ऐसा क्यों चाहते, जब आपको, आपका वाइफ भी आपको कोऑपरेट करती है, जब वो कोऑपरेट नहीं करती भी उसकी भी उम्र हो गई, तो बोले मैं मास्टरबेशन करता हूँ, हाथ से करता हूँ और मैं एंजॉय करता हूँ, और वो भी चांस मिलता है कभी कभी, तो मैं होमोसेक्सुअल भी रिलेशनशिप करता हूँ, क्योंकि बोले मुझे ऐसा लगता है कि मैं फीमेल रहता तो अच्छा रहता था, मैं लगता है कि नहीं मैं लेडी हूँ तो अच्छा रहता था, और मैं कोई मेल के साथ में संबंध रखना मुझे अच्छा लगता है, मेरे को लेने में अच्छा लगता है, ऐसा वो बोल रहा था। तो उसको प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि अभी तो मुझे बता रहा था कि अभी तो इंडिया में, हमारे देश में अभी तो लीगलाइज हुआ है, अभी तो होमोसेक्सुअलिटी वो कोई क्राइम भी नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे जो सवाल थे आपने जवाब दे दिए और अभी मुझे अच्छा लग रहा है। ये वीडियो देने देखने का, आपको बताने का मतलब ये था मेरा कि कम से कम 3 से 4% लोग जिनको होमोसेक्सुअल इंक्लिनेशन कुछ ना कुछ है, और वो कहीं ना कहीं ढूंढते रहते हैं, कहीं ना कहीं वो कॉन्टैक्ट में आते रहते हैं, भले वो इंटरकोर्स नहीं करेंगे मगर बॉडीली मसाज करेंगे,
बॉडी को बॉडी लगा देंगे, कुछ ना कुछ किसिंग करेंगे और वो अपना उल्लू सीधा कर लेंगे, वो एंजॉय करेंगे और वो एक दूसरे को बराबर मिलते भी है। मगर इसमें प्रॉब्लम होता यह है कि फिर उनका जो वाइफ के साथ में संबंध है वो खराब हो जाता है, हो सकता है वाइफ के साथ में वो एंजॉय नहीं कर पाते, इधर ज़्यादा उनका एंजॉयमेंट होता है और फिर फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। ये करना कोई गलत नहीं है, कोई बुरा नहीं है, मगर फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होना, घर में किसको मालूम पड़ना, कोई बीमारी आ जाना, तो ये प्रिकॉशन में लेना ज़रूरी है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।